इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक साथ बाहर हुए टीम इंडिया के 3 मैच विनर खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, आखिरकार टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हुए हैं टीम इंडिया के कौन से 3 मैच विनर खिलाड़ी, बताएंगे आपको 3 मैच विनर खिलाड़ियों के नाम इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी हैं टीम इंडिया के फैन और चाहते हैं कि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को हरा दे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत टीम इस वक्त रोहित शर्मा की कप्तानी में घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भिड़ रही है, जहां पर दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा चुका है। हैदराबाद के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारत टीम को इंग्लैंड के हाथों 28 रन से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि एक वक्त भारत टीम इस मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी, मगर आखिरी दिन इस मुकाबले में रुख पूरी तरफ से इंग्लैंड की ओर मुड़ गई और टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पिछड़ गई है। हालांकि दोस्तों, अब टीम इंडिया की निगाहें अब दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी करने पर टिकी होगी। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला शुक्रवार 2 फरवरी से खेला जाना है। यह मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। हालांकि इस दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले भारत खेमे के लिए जो खबर निकलकर सामने आई है, वो किसी बुरे खबर से कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत टीम के 3 मैच विनर खिलाड़ी इस दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। इन 3 मैच विनर खिलाड़ियों में रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और सुमन गिल का नाम शामिल है। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा को पहले टेस्ट मुकाबले के दौरान हैमस्ट्रिंग का समस्या आई थी। रन दौड़ते समय वे हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण वे रनआउट भी हो गए थे। इसी चलते अब उनका दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलना कन्फर्म नहीं है। वहीं केएल राहुल भी क्वाड्रिसेप से तकलीफ के कारण दूसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। वहीं सुमन गिल को उनका खराब प्रदर्शन की वजह से दूसरे टेस्ट मुकाबले के प्लेइंग 11 से बाहर रखा जा सकता है। ऐसे में अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत टीम में सरफराज खान और रजत पाटीदार को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में इन 3 खिलाड़ियों की कमी खलेगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।